नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर और मैं हूं आपके साथ नेहा आनंद। राजधानी दून को पॉलिथिन मुक्त करने के लिए नगर निगम लगातार कोशिशें कर रहा है, जिस पर आज उत्तराखंड में चल रहे विरासत के मेले को लेकर नगर आयुक्त ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि विरासत में प्लास्टिक के ग्लास, चम्मच और डिस्पोजल प्लेट का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है, जिस पर नगर निगम टीम ने नगर आयुक्त को रिपोर्ट सौंपी थी। ऐसे में नगर आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए 1,00,000 का जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए हैं। देखिए, ये हम लोगों के संज्ञान में प्रातः काल आया कि एक विरासत कार्यक्रम ONGC प्रांगण में आयोजित किया गया था। इसकी जब हम लोगों को सुबह शिकायत मिली, कुछ फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आए कि जहाँ पर थर्मोकोल और प्लास्टिक की प्लेट, चम्मच, कटोरी का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोगों ने इसको काफ़ी गंभीरता से लिया। तो अपनी छोटी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगा कि रीच संस्था है, जिसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीमती विजय श्री जोशी जी हैं और ये उनके तत्वाधान में ही कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इसको नगर निगम ने काफ़ी गंभीरता से लिया है और हमारे वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी को मैंने निर्देश दिए थे, उनकी तरफ से उनको नोटिस भेजी जा रही कि वो 1,00,000 रुपया जुर्माना इसका नगर निगम में 3 दिन के अंदर जमा करें। यदि वो नहीं जमा करती हैं और उनकी संस्था नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में उनके कार्यालय को हम सील कर देंगे।